टोटाबेड़िया जंगल के माल इलाके में हुई मुठभेड़ में इलाके के टॉप नक्सली लीडर शंकर राव के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। शंकर राव पर पुलिस की तरफ से 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। शंकर राव नक्सलियों के कांकेर ग्रुप का लीडर रहा था। शंकर नक्सलियों के बेहद शातिर नेताओं में शुमार था, जिसका खौफ कांकेर से लेकर मानपुर मौलापुर के जंगलों में भी था। शंकर अलग अलग वारदातों में सीधे तौर पर शामिल था। सुरक्षा बल को शंकर की लंबे वक्त से तलाश थी। तेलंगाना का रहने वाला शंकर कांकेर में बड़ी सभा का नेतृत्व कर रहा था। इसके लिए छोटे बेठिया के जंगल में नक्सलियों ने कैंप लगाया था, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें तैयार बैठी पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से उनके कैंप तक घुसपैठ की और 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कांकेर के जंगलों में हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच इस भीषण मुठभेड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये ताजा वीडियो है और सुरक्षा बल ने इसे तैयार किया है। इस भीषण मुठभेड़ में 29 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस पूरी मुठभेड़ में 4 AK-47 राइफल समेत भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।